अहमदाबाद अटल ब्रिज ड्रोन वीडियो। तो भाई साहब ड्रोन व्यू है, अटल ब्रिज जो है वो नई नई बनी है 2022 में, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं स्टार्ट? अच्छा ये इस तरह ना डीएनए की चेन नहीं होती। हाँ वही वही चलें जी। वीडियो भाई साहब खत्म हो गए और क्या प्यारी वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी भाई साहब, और जिस तरह ब्रिज का नज़ारा दिखाया गया बहुत ही खूबसूरत है और टूरिस्ट के लिए तो भाई अच्छी है। जो मतलब अच्छा चमका देने वाली बात भाई ये है कि दो ही सिर्फ पिलर हैं। हाँ 300 मीटर का फासला और सिर्फ दो पिलर, और ये मेरे ख्याल में गाड़ियों के लिए नहीं लग रही थी क्योंकि जो नीचे से वो सीढ़ियां जा रही थी ना वो मतलब पैदल चलने वाले लोगों के लिए थी और बड़ी खूबसूरत बनी थी। और जिस लेकिन तरह वो फ्लैट भी नहीं ना थी गाड़ियों के लिए, तो फ्लैट होती थी थोड़े से ऊपर जा रही फिर वो आगे से नीचे भी आ रही थी इस और बाकी भाई साहब जो इसमें और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था वो जो प्लास्टिक के थे या कपड़ा लगा हुआ था रंग बिरंगा और नीचे जो पाइप वही तो लाइट से उसकी खूबसूरती है। और दूर से अगर नजारा जब जैसे दिखाया गया रात को दूसरे पानी में अंधेरा था और वो ब्रिज सिर्फ जल रही और वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही। और भाई साहब ये छोटे छोटे छोटा खर्चा तो मैं नहीं बोलूंगा 74 करोड़ भाई अब 74 करोड़ वही ना अभी वो मजाक में बोल रहा 74 करोड़ तो भाई बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए तो, और बाकी वो भी इंडियन रुपये तो हमारे यहाँ तो भाई बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा भाई साहब ये बताइए यार पैदल चलने के लिए है या इससे गाड़ियां गुजरेंगी? तो पैदल चलने वाले के तो भाई इससे ये है कि यहाँ का एरिया जो है और ज्यादा मतलब फेमस हो जाएगा, लोग टूरिस्ट आएंगे इधर तफरी के लिए, लोगों को एंजॉय करने के लिए मौका मिल जाएगा। अच्छा आपने गौर किया है कि नहीं इसके साथ ना वो कुछ और भी दिखाई दे रही थी? हाँ, तीन चार नहीं कई ज्यादा आगे होगी। तो वो जैसे जैसे रोड आता है मेरे ख्याल में रोड के साथ वो हर रोड के साथ के नीचे 7-8 पिलर तो थे वो है गाड़ियों के लिए और जनता के लिए। देख रहे ब्रिज तो एक दफा खर्चा हो जाएगा बन जाएगी ठीक है, अगर वो ब्रिज ना बनाए तो अगर ज्यादा फासला करना पड़े तो इससे पता कितना खर्चा बढ़ता
डीजल पेट्रोल का ज्यादा खर्चा होता है और साफ जाहिर है वक्त भी बचेगा और जो डीजल पेट्रोल जो इंपोर्ट करना पड़ता है वो डॉलर जो वैसे ही जाया जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी होती है, फायदा भी होता है। और जिस तरह भाई साबरमती रिवर को खूबसूरत बना दिया ना, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। अब यहाँ पे कश्तियां भी छोड़े लोग जो सैर तफरी करने के लिए आते हैं इधर, और बड़ा प्यारा माहौल बन जाता है। और आपने एक बात नोट की भाई, वो बीच में वो पौधे भी लगे हुए थे। हाँ, सेंटर में रखे हुए। वो वैसे वो मेरे ख्याल में उद्घाटन के लिए, उद्घाटन किया गया ना, तो शायद उसके लिए जो है ना उसमें थोड़ी सी वो डेकोरेशन भी वो लटकाए हुए थे ना, पीस वो भी लटकाए हुए थे और बॉक्स बड़े बड़े भी बने हुए थे। मेरे ख्याल से वो सैर तफरी के लिए लोगों के लिए होंगे, पड़े भी रहेंगे, क्या हो सकता है परमानेंट रहे ऐसा। तो भाई साहब नरेंद्र मोदी जी के आने से साबरमती रिवर जो है ना भाई बहुत डेवलप हुआ है, बिजनेस गुजरात के बंदे हैं भाई, गुजरात के बंदे बिजनेस माइंड होते हैं। और अच्छा लगा भाई देख के, और इससे जो है ना तफरी करने का लोगों को मौका मिलेगा, साफ सुथरा माहौल और भाई मजा आ जाएगा। तो ठीक है भाई साहब, बहुत प्यारी बनी है ब्रिज और एक ये यूनिक लगी जी। पहले भी ब्रिजे देखी हैं लेकिन ये सब में से यूनिक, जिस तरह वो पाइप लगा के ना, इसकी इंजीनियरिंग मुझे कमाल की। वो जिस तरह ना भाई पिलर तो चलो दो थे, वो मतलब घुमा घुमा के जिस तरह झूला नहीं होता ऐसी इस तरह करके बने थे, वो बड़ी खूबसूरत बनी थी। तो ठीक है भाई साहब, और भी इस ब्रिज के बारे में अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जरूर बताइएगा, किन-किन लोगों ने इसका विजिट भी किया है और इससे गाड़ियां ही गुजरेंगी या सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।